यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, दिल्ली में नहीं देनी होगी बच्चों की 3 महीने की स्कूल फीस। केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान हो चुका है, ये आप देख सकते हैं, आज का आर्टिकल है 17 अप्रैल का। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 3 मई तक लॉकडाउन है, आप सब जानते हैं, और सभी स्कूल और कॉलेज भी बंद है। ऐसे में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने जनता को बड़ी राहत देने का ऐलान दिया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आदेश दिया है कि कोई भी स्कूल 3 महीने की फीस नहीं मांगेगा, सिर्फ 1 महीने की ट्यूशन फीस मांग सकते हैं। सिसोदिया ने कहा जो ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है वो सभी बच्चों को देनी होगी, जो माता पिता फीस नहीं दे पा रहे हैं उनके बच्चों को भी। कोई भी स्कूल ट्रांसपोर्टेशन फीस और कोई अन्य फीस चार्ज नहीं करेगा, फीस बढ़ाने की भी नहीं है इजाज़त, सिसोदिया जी ने कहा है। इसके अलावा सिसोदिया ने कहा सरकार ने आज फैसला लिया है कि किसी भी निजी स्कूल यानी प्राइवेट स्कूल, वो चाहे सरकारी ज़मीन पर बना हो या गैर सरकारी ज़मीन पर, फीस बढ़ाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सरकार से बिना पूछे कोई भी स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता, स्टाफ को समय पर सैलरी दें स्कूल। मनीष सिसोदिया ने कहा सभी निजी स्कूलों की ये जिम्मेदारी है कि वे अपने सभी स्टाफ को टीचिंग और नॉन टीचिंग समय पर सैलरी दें। अगर इनकी आय में किसी तरह की कमी है तो वे अपने पेरेंट संस्था से पैसा लेकर उसको पूरा करें। जो स्कूल आदेशों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी आपके लिए लेटेस्ट अपडेट। इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएँ। थैंक यू।